वर्दी का एक सुकून देने वाला चेहरा गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पर दिखा, जहां खाकी की गोद में एक नन्ही जिंदगी मुस्कुराती दिखी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोग अपने अपने घरों को पहुंचने की जल्दी में हैं। इसी बीच गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर एक गर्भवती महिला आयशा खातून अपने ससुर के साथ हरदोई से नरकटियागंज जाने के लिए गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन के इंतजार में बैठी महिला को शनिवार की रात 10:30 बजे के आसपास प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वह तड़पने लगी। आरपीएफ पोस्ट पर मौजूद महिला आरक्षी ने इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची आरपीएफ की महिला दरोगा प्रियंका सिंह ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर पीड़ित महिला की मदद की और प्रसव कराया। महिला के प्रसव के उपरांत मौके पर यात्री मित्र डॉक्टर के साथ पहुंचे डॉक्टर ने महिला और नवजात के स्वास्थ्य की जाँच की। दरोगा प्रियंका सिंह और उसके साथियों ने महिला और नवजात को ट्रेन में बैठाकर उसे उसके गंतव्य तक भेजने में मदद की। इस दौरान महिला और उसके ससुर पुलिस के इस रूप को देखकर उसकी प्रशंसा की। सब इंस्पेक्टर प्रियंका सिंह ने बताया कि महिला जाते हुए कही कि हमारी जिंदगी कैसी भी कटेगी, लेकिन कैसे भी हालत में अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर आप जैसी बनाऊंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आरपीएफ की महिला सब इंस्पेक्टर प्रियंका सिंह ने कहा, उप निरीक्षक प्रियंका सिंह, कल मैं 16 से 24 की पाली में एनडीओ ड्यूटी में तैनात थी। मेरे स्टाफ ने सेकंड क्लास मशीन पे तैनात था, उसने सूचना दी कि मैडम एक औरत बीमार है, उसको प्रसव पीड़ा हो रही है। तो मैं तत्काल अपने बीआईसी देवी बख्श सिंह को लेकर के वहाँ पे पहुँची और कुछ औरतों को बुला के महिला सफाई कर्मचारियों को लेकर के घेराबंदी करके उसका प्रसव कराया। यात्री मित्र को सूचना दिया, एम्बुलेंस और डॉक्टर को बुलवाया, उन्होंने उपचार किया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, उन्होंने इलाज किया और यात्रा की मंजूरी दे दी। उस महिला ने आपको क्या असर हुआ? वो ये बोली कि हमारी ज़िंदगी मैडम कैसे कटेगी, हमें नहीं पता, पर कैसे भी हालात में पढ़ा लिखा करके चाहती होगी हमारी बच्ची आप जैसी बने। बिल्कुल,